नमामि शनिशम निर्वाण रूपम विवम व्यापकम से वेदा स्वरूपम। बम बम बोले, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिवरात्रि का महापर्व है, उसी मौके पर मैं पहुंचा हूं लुधियाना के प्राचीन शंगला शिवाला मंदिर। यहां पर भक्तों की जो भीड़ है बिल्कुल उमड़ पड़ी है, और आप देख सकते हैं जगह जगह पर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, लंगर सेवा चलाई जा रही है और लोग लंगर का लुत्फ भी ले रहे हैं और दर्शन के लिए बहुत लंबी कतार लगी हुई है। आइए मंदिर के दर्शन करवाता हूं और आपको इतिहास से भी रूबरू करवाता हूं। ये मंदिर तकरीबन 500 वर्ष पुराना मंदिर है। आपको बता दूं कि मंदिर का नाम शंगला शिवाला पड़ने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। माना जाता है कि पहले ये जगह बिल्कुल वीरान हुआ करती थी, यहाँ पर जंगल झाड़ियाँ हुआ करती थी, परंतु जो भगवान शिव की ऐसी महिमा हुई कि 500 वर्ष पूर्व भगवान शंभू जो है स्वयं उत्पन्न हुए। आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो कतार लगी हुई है, जो दर्शनों के अभिलाषी हैं, प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कितने समय से खड़े हैं कतार में? हमको 1.5 घंटा हो गया लमसम खड़े हुए। क्या कुछ इच्छा लेके आए हैं मन में? मन में हमारी इच्छा है भोले शंकर के लिए, काफी इच्छा है जी। कितना का महत्व रखता है आपके लिए ये दिन? हमारे लिए बहुत महत्व रखता है महाशिवरात्रि का। आप क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि के पावन अवसर पर? आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। ठीक है, भगवान शिव हमारे दिल में बसे हुए हैं, इसीलिए हम सुबह से लेके अभी तक हम लोगों ने बिना बेईमानी, कई लोग ऐसे हैं, अगर चाहते अगर लीगल तरीके से होता तो हम लोग कब का दर्शन कर चुके होते हैं। लोग चीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स हैं हम लोग साथ में नहीं, भगवान के शिव के दर्शन करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तभी वहां से लेके अभी तक हम लोग बिना चीटिंग किए आराम से जा रहे हैं कि भगवान के शिव के दर्शन करने की सबसे ज्यादा जो हमारी श्रद्धा है वो इस लाइन में है। माथे पर तिलक और मन में दर्शनों की अभिलाषा। कितनी देर से खड़े हैं आप? 7:25 तकरीबन। अब तो 9:45 होने लगे हैं। हाँ जी, पता नहीं चला कब इतनी जल्दी टाइम बीत गया। सब प्रभु की महिमा है, देख सकते हैं काफी देर से खड़े हैं कतारों में। जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ये शिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं, और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मंदिर के बाहर भी काफी लंबी कतार लगी हुई है, परंतु जो दर्शन अभिलाषी है सवेरे 5 बजे से करीब मंदिर के अंदर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ श्री दुर्गा माता मंदिर के मुख्य सेवादार श्री वरेंद्र मित्तल जी हैं, जो शंगलेश वाला मंदिर के पास अपनी सेवा दे रहे हैं, लंगर सेवा दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, भोले भंडारी जी की जय हो। भगवान शिव, पार्वती मैया और गणपति बाबा जी से यही प्रार्थना है कि हम सब के जीवन को सही मार्ग पे ले जाएं, ताकि हमारी जो जीवन यात्रा है उस पे हम सफलतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक चलते रहें और प्रेम सद्भावना बांटते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रभु सभी पे कृपा करो, सभी पे मेहर बरो। आप सब भक्तों को एक बार फिर महाशिवरात्रि की लाख लाख बधाई हो। जय माता दी, जय माता दी। साहिल खुराना जी, बोल बोल। महादेव सेवा सोसाइटी की ओर से 12वां विशाल भंडारा, पिछले 11 सालों से लगातार और इस साल 12वां साल में प्रवेश किया है, और 28 घंटे लगभग का यह भंडारा है। कल रात को 8 बजे ये भंडारा शुरू हुआ था और सारी रात चलता रहा, एक मिनट भी नहीं रुका। एक मिनट तो दूर की बात है, एक सेकंड भी स्टॉप नहीं लगा। और अब लगभग 9 बज चुके हैं और इस टाइम सैंडविच, जो कि नाश्ता चल रहा है, गर्म दूध और सैंडविच चल रहे हैं। इसके बाद 14 तरह की अलग अलग वैरायटी हैं, जिसमें बच्चों के लिए स्पेशल तौर पर नाइट्रोजन बिस्किट है, और आइसक्रीम है, फ्रूट क्रीम है, न्यूट्री कुल्चा है, और केवल एक ही नमक, जो भी भोलेनाथ की शादी में आए उसको खाने पीने में कोई कमी ना रहे। मेरे भोले बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करें। बम बम बोले। भोले भंडारी की शादी की, पार्वती मैया की और गणपति जी की आप सब पर कृपा हो। आप सब अपनी जीवन यात्रा में ठीक रास्ते पे चलते हुए सभी को सुख बांटते जाएं। महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई। साहिल खुराना जी छोटी सी उम्र में ही महामंडेश्वर स्वामी वेदवादी जी के आशीर्वाद से पिछले 12 सालों से सेवा कर रहे हैं, और महाराज जी के सभी आश्रमों की भी सेवा महाराज जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं।
भगवान उनको बहुत ज्यादा सफलता दे और उनको इस धार्मिक कार्य में, इस सनातन धर्म के कार्य में वो भारतवर्ष का नाम और आगे करें, ऐसा मेरा दिल से आशीर्वाद है। जय माता दी, जय माता दी।